नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सुंदरियाल यूसर्क साइंस स्टूडियो से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने अभी तक देखा, हम लोग अभी भी पहले भी हम दो इश्यूज पे बात कर चुके हैं, और हमारी जो भी विषय होता है, जिस भी विषय पे हम लोग परिचर्चा करते हैं, वो हमारे राज्य से संबंधित स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज पे हम परिचर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। आज हम जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है हमारे राज्य की सबसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम, हम इसको बोलेंगे कि फॉरेस्ट फायर। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में 65% वन है, और वनों से हम कई लाभदायक चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ी घटना है, जो कि लोग, हमारे जो स्थानीय निवासी हैं, वो अपनी फायदा उठाने के लिए इसमें रेनी सीजन से पहले उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि काफी जानमान की भी हानि होती है, काफी हमारे जितने जंगली पशु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो इस विषय पे विस्तार से कि इसके क्या किन फायदों के कारण या स्थानीय निवासी इन पे वनों पे आग लगाते हैं, वह इसके कितने नुकसान हैं, इस पे विस्तार से परिचर्चा के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वह विषय विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस विषय पे विस्तार से पूरी जानकारी हमारे श्रोतागणों को पहुँचाएं। थैंक यू डॉक्टर मोहन। आज का जो विषय है वो फॉरेस्ट फायर पे है। जंगल में हर साल लगभग हमारे पहाड़ों में और इवन नीचे प्लेन्स में हमारे जंगल आग के शिकार हो जाते हैं, और जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड में लगभग 65% हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट है, जिसमें सघन वन और छितरे हुए वन हैं। निचले हिमालयी क्षेत्र जिनको हम शिवालिक कहते हैं, उसमें साल के फॉरेस्ट हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर भी फायर होता है। सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, जो कि लगभग 3,000 फीट से लेके 6,000 फीट वाला एरिया हमारा उत्तराखंड में है, उसमें ज़्यादातर चीड़ पाइन फॉरेस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा अग्नि के लिए सेंसिटिव है, और उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाता है, जो 6,000 फीट से चल के 10,000 फीट तक जाता है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में फायर के इंसिडेंट्स थोड़ा कम होते हैं, या पहले तो नहीं के बराबर थे, अब कई जगह ये रिपोर्ट हो रहा है कि बांज के जंगल में भी आग लग रही है, आग आ रही है। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट फायर है, इसे बड़ा भारी हमारे प्रदेश को नुकसान होता है, हमारी बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है, जंगल के रिसोर्सेज को नुकसान होता है, हमारा जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके बारे में थोड़ा आज विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। वनों में जो आग लगती है, उसके इंसिडेंट्स ज़्यादातर गर्मियों में होते हैं, और ये फरवरी मार्च से शुरू होकर के और जून के लास्ट तक ये इंसिडेंट्स बहुत कॉमन है। जब बरसात शुरू हो जाती है, तब अग्नि जो है वनों की हमारी शांत हो जाती है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो है फॉरेस्ट फायर का एक चित्र है, जिसमें भीषण वनाग्नि से पूरा जंगल ही जल जाने की कगार पे है। ये जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ग्राउंड फायर है और चीड़ का ये जंगल है। चीड़ के जंगल में नीचे जो है वो गर्मियों में चीड़ की पत्तियां नीचे ग्राउंड में गिर जाती हैं, और वो काफ़ी ज्वलनशील, चूँकि टर्पिन्स इसमें होते हैं, बहुत ज्वलनशील इसमें केमिकल्स हैं, और जरा सी भी फायर इसको जो है पूरे जंगल को जला देती है। लेकिन ये ग्राउंड फायर है,
इसमें ये क्राउन फायर नहीं है, क्योंकि दो तरह की मुख्य फायर्स हैं। क्राउन फायर तब होता है जब ग्राउंड में जो पत्तियां हैं या जो फ्यूल लोड है वो बहुत ज़्यादा हो, तब जो है आग ज़्यादा भड़क जाती है। लेकिन अगर हर साल जब फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो फ्यूल लोड चीड़ के जंगल में ज़्यादा जमा नहीं हो पाता है, तो जितनी भी पत्तियां हैं वो बार बार जलती रहती हैं। इससे क्राउन फायर हमारे देश में उसके इंसिडेंट्स थोड़ा कम है, पर ये दिख रहा है आपको चित्र में कि इसमें ग्राउंड फायर हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसमें जो है फायर ब्रिगेड ने जो है फायर कंट्रोल करने के लिए, ये जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश प्रदेश में इसमें थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है इसमें माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स में पहाड़ों पे गाड़ी के द्वारा पानी नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी जो पुरानी हमारी तकनीकी है वो झाड़ू से उसको पीटना और या हरी पत्तियों से उसको बीटिंग करना, आपको वही जनरली हमारा फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड है। ये भी एक चित्र है जिसमें कि टेम्परेट फॉरेस्ट में फायर दिख रहा है। ये देखिए, जब कहीं पर भी बच्चों तुम समझो कि जब क्राउन फायर होता है तो पूरे का पूरा जंगल खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, जबकि एक जंगल को बनने में कई 100 साल लगते हैं। 50 और 100 साल में जाके एक जंगल तैयार होता है, और वो फायर से कुछ ही घंटों में पूरा तबाह हो जाता है। ये क्राउन फायर है जिसमें कि पूरा जंगल खत्म हो गया है। ये देखिए, जहाँ पर घास वगैरह के होती है, हरी घास भी जो है वो इसमें जल जाती है, सूखी घास के साथ हरी भी जल जाती है, जिससे कि हमारे जंगली जानवरों को जो कि घास हर्बीवोर्स जो हैं, जो प्राणी घास खाते हैं, उनके उनके लिए घास जब मर जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है, तो उनको उनके लिए भोजन की बड़ी समस्या हो जाती है, और इससे हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उस पे फर्क पड़ता है। कई छोटे बच्चे हैं या कई चिड़ियाओं के अंडे हैं जो घोंसले बना के गर्मियों में चिड़ियाएं अंडे देती हैं, वो सारे जल जाते हैं। कीड़े मकोड़े जो हमारे लाभकारी कीड़े मकोड़े हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ये देखिए, चित्र में ये दिखाया गया है कि कैसे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां पर कैसे जो है वो हेलीकॉप्टर और प्लेन से जो है वो पानी डाल दिया जाता है, केमिकल डाल दिया जाता है, और वो लोग फायर को कंट्रोल करते हैं, वनाग्नि को बुझाते हैं। हमारे देश में या हमारे प्रदेश में अभी ये सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है, और हमारा वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इस प्रकार की जो हमारी सुविधाएं हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम फायर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल कर सकें। जो फायर हैं वो कई कई तरह की हैं, जिसमें कि नेचुरल एंड अननेचुरल फायर हैं। नेचुरल फायर्स के इंसिडेंट्स बहुत कम हैं, जब नेचर में अपने आप ही आग लग जाती है, और उसमें जनरली लोग कहते हैं कि पहाड़ों से जब पत्थर गिरता है और वो अगर नीचे लुढ़क के दूसरे पत्थर पे टकरा गया तो उससे चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, जो ग्रेनाइट टाइप की जो या क्वार्जाइट टाइप की जो पत्थर है जिसको हम घंतिर कहते हैं, उस तरह के पत्थर जब लुढ़क के दूसरे पे टकराते हैं तो वो चिंगारी उसे निकलती है, और वो चिंगारी आग पकड़ सकती है, वो नेचुरल फायर है। या बांस के जंगल में जब हवा चलती है तो सूखे बांस आपस में अगर रगड़ते हैं उससे भी फायर हो सकता है, या कभी बहुत जोर से बादल गरजते हैं और जब बिजली चमकती है, कड़कती है, उसमें भी कभी फायर इंसिडेंट हो सकता है, वो नेचुरल फायर है, लेकिन वो उसके इंसिडेंट्स बहुत कम है। बाकी सारे के सारे अननेचुरल फायर हैं, माने वो मैन मेड फायर हैं, लोग खुद जो है आग लगा देते हैं, या गलती से आग लोग से लग जाती है, जैसे कि किसी ने बीड़ी पिया और बीड़ी पीने के बाद माचिस की तीली को ऐसे ही फेंक दिया बिना बुझाए, तो
वो आग पकड़ सकती है, या बीड़ी आपने पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद ऐसे ही फेंक दी, वो आग पकड़ सकती है, या इंटेंशनली कई बार लोग आग लगाते हैं चीड़ के जंगलों में या पहाड़ों में, ताकि नई घास जो है वो जलने के बाद, पुरानी घास या चीड़ के पत्ते जलने के बाद नई घास उसमें आ जाए और उनके जानवरों के लिए घास हो सके। तो ये अननेचुरल फायर्स इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे जो लॉसेज हैं वो सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी लॉसेज हैं, क्योंकि जो हमारी रीजेनरेशन है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो साल का है या चीड़ का रीजेनरेशन है, वो पेड़ों से जो है वो बीज गिरता है और वो जम के फिर से पौधे तैयार होते हैं, उसमें प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो नए पौध है हमारी, वो फॉरेस्ट फायर से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, पूरा हमारा रीजेनरेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो छोटी सीडलिंग रहती हैं और वो फायर में पूरी की पूरी जल जाती हैं। तो इम्पैक्ट जो है हमारा वो रीजनरेशन पे बड़ा ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी चिड़ियाएँ हैं वो ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में अंडे देती हैं, और वो बच्चे छोटे होते हैं, उनके घोंसले होते हैं छोटे छोटे झाड़ियों में, घास में, और जब उसमें फॉरेस्ट फायर होता है तो वो सारे के सारे जल जाते हैं। इस तरह से कई एनिमल्स हैं और रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो सब जल के ख़त्म हो जाती हैं। तो मेजर इम्पैक्ट जो है वो बायोडायवर्सिटी लॉस है, और इसलिए जो है वो कई नेशनल पॉलिसीज इस पे बनी हैं, इस पे डिस्कशन होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी जो है उस पे हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। इस विषय में हमको जो है वो सोचना होगा। जो कैटल हमारे यहाँ प्रथा है जानवरों को बाहर चुंगाने की, जब बच्चे जो है वो, या जो भी कैटल्स को जंगल में ले जाता है, वो अक्सर जंगल में आग जला के कुछ खाना वाना बना लेते हैं, या कभी जो है जाड़े से बचने के लिए आग जलाते हैं जंगल में, या फिर जो है वो बीड़ी बीड़ी वो लोग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और उससे जो है वो बहुत कॉमनली फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स होते हैं। आजकल रिमोट सेंसिंग के द्वारा फायर इंसिडेंट्स की रिपोर्ट जो है वो सिस्टम बड़ा जो है अच्छा कारगर सिद्ध हो रहा है रिपोर्टिंग के लिए, कि यहाँ पर फायर इंसिडेंट्स हो रहा है। फायर वॉच टावर्स भी बनते हैं और स्पेशल टास्क फोर्स भी गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट गर्मियों में अपॉइंट करता है। इसके बावजूद भी जो है फायर के इंसिडेंट्स हमारे प्रदेश में और देश में बहुत होते हैं। जो कॉजेज ऑफ फायर है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजर्स जो हैं, जो गाय भैंस चुंगाने वाले हैं वो करते हैं, NTFP जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन वाले भी जो है वो फायर लगाते हैं, क्योंकि फायर लगाने के बाद ग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आंवला हरड़ बहेड़ा या बेल, या जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, वहाँ पे ये जो है इसको महुआ का फूल जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो उसमें वो पत्तों के ऊपर फूल दिखाई नहीं देते, जब ग्राउंड में वो फायर कर देते हैं तो ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है और उसमें महुए के फूल उनको आसानी से दिख जाते हैं। इसलिए भी वो इंटेंशन उनका होता है और मतलब होता है उसको फायर लगाने का। और इसके अलावा पोचर्स भी जो हैं वो फायर लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जंगल में जब आग लगती है तो जानवर दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, जिधर से आग है उधर से बचने के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, और पोचर्स घात लगाकर जो है जंगली जानवरों को मारते हैं, और वो जो है एक फायर, फॉरेस्ट फायर का बहुत बड़ा कॉज है। इसके अलावा जो इनक्रोचमेंट करते हैं जंगल पे, तो वो क्या करते हैं कि इनक्रोचमेंट के लिए जंगल को जला दिया और धीरे धीरे करके उसमें खेती करना शुरू कर दिया, तो इनक्रोचर्स भी हजारों हजारों एकड़ लैंड जो है हमारे देश की, वो इस तरह से फॉरेस्ट लैंड पे इनक्रोचर अपना कब्जा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपने सुना होगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है,
उसमें अक्सर लोग एक फॉरेस्ट पैथ सेलेक्ट करते हैं, उसको स्लैश काट के बाइंड करके पूरा जो है क्लियर कर देते हैं एरिया को, तो वो भी फायर का एक, वो इंटेंशन फायर है, वो भी फॉरेस्ट फायर का एक बहुत बड़ा रीजन है। कई बार रिवेंज जो है एक दूसरे से बदला लेने के लिए गांव में, कि अच्छा इन्होंने जो है हमारे जंगल को आग लगाई तो हम इनके लगा देते हैं, तो इस तरह से बदला लेने के उससे भी, गर्ज से भी कई बार फायर इंसिडेंट्स नोट किए गए हैं। कई बार टूरिस्ट और जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो भी बाय एक्सीडेंट जो है वो फायर के कारण बन जाते हैं। वो लोग कई स्मोक करते हैं, और कई लोग जो है जंगलों में आग जला के पिकनिक मनाते हैं, कई लोग जो है वो खाना पकाते हैं और फिर आग को ढंग से बुझाते नहीं हैं, जो बुग्याल्स में इवन ये फायर के एक्सीडेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। लोग जो है केयरलेसली, या गाड़ी में बैठे टूरिस्ट भी जो है गाड़ी में बैठे हुए चल रहे हैं और स्मोक करते हैं, बीड़ी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, बगल में जो है पत्ते हैं सड़क में जंगल के, और उसमें आग पकड़ लेती है। और केयरलेसनेस जो है, जो इसमें सबसे बड़ा रीजन है, अगर लोग कंट्रोल्ड उसमें जो है आग का प्रयोग करें तो आग एक बहुत बड़ा वरदान है। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी डिस्कवरी फायर ही थी जिसने कि हमको खाना बनाना सिखाया और जाड़ों में जो है आदमी को ठंड से बचाया। एंशियंट टाइम से आग का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम तब नजर आते हैं जब वो अनकंट्रोल हो जाती है, तब वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर सामने आता है, वो सब कुछ तबाह कर देता है। ये हमारे देश में फायर इंसिडेंट्स का मैप है, जिसमें कि उत्तराखंड में लगभग सारे जिले आप देखेंगे फायर इंसिडेंट्स जो है सारे जिलों में है। ये एक फायर सीजन डिफरेंट स्टेट्स में दिखाया गया है, और उत्तराखंड में जनरली मार्च से लेके जून तक का ये जो टाइम है उसमें फायर मैक्सिमम जो है वो फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट की गई है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह की फायर्स हैं, ग्राउंड फायर जो नीचे सतह पे लगती है, और क्राउन फायर जो कि ऊपर पूरे जंगल को ख़त्म करती है। तो ग्राउंड फायर, हमारे देश में ज़्यादातर ग्राउंड फायर के इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फायर लोड जंगलों में होता नहीं है। लोग लकड़ी घास हर साल इकट्ठा कर लेते हैं, इवन पत्तियाँ भी जो हैं वो कलेक्ट करके खाद के लिए या कैटल बैट के लिए जाड़ों में ले जाते हैं, तो इसलिए फ्यूल लोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर जितना होता है वो जो है ग्राउंड फायर को जन्म देता है। ग्राउंड फायर वहाँ होता है जहाँ पर कि कई सालों में एक बार जब आग लगती है, तो वहाँ पर फ्यूल लोड जमीन में बहुत ज़्यादा होता है और लीटर बहुत ज़्यादा की तय बहुत मोटी होती है, तो वो जो है बहुत ऊंची लपटें उससे उठती हैं और वो पूरा क्राउन तक जला देती हैं, वो पूरा फॉरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाता है। ये ग्राउंड फायर के कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्राउन फायर का चित्र है जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी से आग लगी हुई है, और वो तब होता है जब ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज में होता है जहाँ पर फायर इंसिडेंट्स ना के बराबर हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। ये कई बार इंटेंशनल फायर की जाती है, जब एक एरिया को साफ करना होता है तो काट के लोग पूरा जंगल का एक एरिया साफ करके जलाया गया है, ये इंटेंशनल फायर है। और फायर के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, और वो जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे न्यूट्रिएंट जो इनपुट है सोयल में वो बढ़ जाता है, क्योंकि लीडर को डिकम्पोज होने में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन टाइम लेता है, या नेचुरल वे में जब डिकम्पोज होता है कोई भी लीडर तो वो अपना टाइम लेता है, क्योंकि वो बैक्टीरियल जो है उसमें बैक्टीरिया काम करते हैं और वो उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं।
लेकिन जब फायर होती है तो इमीडिएटली जो है वो लीटर जल जाता है और उसमें जो कंपोनेंट हैं उसके, जैसे कार्बन तो खैर जल के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन भी चली जाती है, लेकिन जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है, सल्फर है जो जलता नहीं है, और बहुत सारे मॉलिब्डियम है, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं फ्री कंडीशन में सॉयल में आ जाते हैं और इमीडिएटली फिर पौधे इनको बरसात में इनटेक कर लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट इनपुट सॉयल में बढ़ जाता है फॉरेस्ट फायर से। और कंट्रोल जो है इससे इंसेक्ट पेस्ट का, क्योंकि कई हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, कई हार्मफुल जो है वो पैथोजेंस हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, इंसेक्ट्स हैं और फंजाई हैं, तो वो भी जो है फायर के साथ जल जाती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो इससे हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड फायर जब होगी तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उनके अंडे या उनके लार्वी वो सब जल जाते हैं, या आपके जो जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी फंजाई हैं, उनके स्पोर्स भी जल जाते हैं, तो उससे कुछ हद तक जो है पेस्ट और पैथोजन जो है वो कंट्रोल में हो जाते हैं। और कई बार ये होता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसे लोगों ने काम किया है कई जगह, कई इंस्टीट्यूशन ने, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर फायर होती है तो उससे जो डोमिनेटिंग स्पीसीज हैं वो मर जाती हैं, या जैसे वीड्स को कंट्रोल करने वाली बात है, अगर लेंटाना आ रहा है, इपिटोरियम आ रहा है या और दूसरी वीड्स आ रही हैं और फायर होती है मेजर, तो एक बार को तो वो जल जाती हैं और उसके जलने से, ग्राउंड ओपन होने से दूसरी स्पीसीज को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ पर उगने की। तो ये जो है फायर के कुछ फायदे भी हैं, पर वो फायदे लॉसेस के मुकाबले नगण्य हैं। हमारा जो हिमालयन इकोसिस्टम है, इसमें हमने आपको बताया कि जो है वो जनरली जो है नीचे साल है, फिर पाइन है और ऊपर जो है हमारा ओक फॉरेस्ट है, और फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके बाद एल्पाइन जोन हमारा आ जाता है। तो इसमें जो है वो हमारा जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट फायर का वो सॉयल पे पड़ता है, क्योंकि गर्म होने से सॉयल लूज हो जाती है और उसके बाद जब बरसात आती है तो चूंकि माउंटेन में स्लोप्स होते हैं और अगर सॉयल लूज हो गई, बारिश आई, तो वो पूरी की पूरी सॉयल नीचे बह जाती है, तो ये सॉयल इरोजन का एक बहुत बड़ा इसमें नुकसान होता है, सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और पूरी जो ब्रॉड लीव स्पीसीज हैं उस पर फर्क पड़ता है, फ्लोरल जो हमारा फ्लोरा है, फौना है, उसकी वेल्थ पे फर्क पड़ता है, और कई बार जो है जब कोई भी ग्राउंड क्लियर हो जाता है तो इनवेजिव स्पीसीज, पर्टिकुलरली पार्थीनियम जो है लोअर एलिवेशन पे, वो एकदम घुस जाता है, और आपका लेंटाना जो है उसके सीड्स जो है वहाँ पर गिर करके वो जर्मिनेट होकर वो दूसरी जो है वीड्स आ जाती हैं। तो कई सारे फॉरेस्ट फायर के जो है वो इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे पूरा इम्पैक्ट उसका आता है, लैंडस्केप चेंज हो जाता है, जहाँ पर फॉरेस्ट था अगर आपने पूरा उसको क्राउन फायर हो गया तो वो एक डिजल्टेड नेकेड माउंटेन आपको दिखाई देगा। फोटोसिंथेसिस पे हालांकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 बढ़ने से बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि अगर ग्रीन लीव्स ही बर्न्ड हो गई हैं, ग्रीन लीव्स अगर जल चुकी हैं, तो तब फॉरेस्ट में जो है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि ग्रीन लीव्स जो हैं वो ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, अगर लीव्स ही जल गई तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या नेट प्रोडक्टिविटी हमारी इफेक्ट होगी। फूड वेब पे, फूड चेन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक साइकिल होता है इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो अगर फायर होती है तो पूरा फूड चेन जो है वो इफेक्ट होती है।
सीड की जो जर्मिनेशन है या सीड जो हमारा बैंक है सॉयल में वो जल जाता है, और जो न्यू हमारे रिक्रूटर्स हैं जो रीजनरेशन है वो खत्म हो जाती है, बहुत वैल्यूबल टिम्बर हमारा जल जाता है, और जो है कैचमेंट जो हमारा एरिया है किसी भी जैसे हमारा जो नेचुरल पानी के रिसोर्सेज हैं चाहे वो नदी है नाला है और उस पे हम डैम बनाते हैं, कैचमेंट अगर वेल्दी होगा, कैचमेंट में फॉरेस्ट और वेजिटेशन अच्छी होगी तो हमारे पेरिनियल चैनल बने रहेंगे, अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो कैचमेंट एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉयल इरोजन बढ़ जाता है, वाटर पॉपुलेशन कम हो जाता है और हमारी डैम्स वगैरह जो हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, बायोडायवर्सिटी लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ पूरी जो हैबिटेट है जहाँ पर के हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो पूरा ख़त्म हो जाता है, वो डिप्लीट हो जाता है। मैंने जैसे बताया कि अगर पूरी जंगल में घास जल जाती है तो हिरन और जो हमारे खरगोश हैं या जो हाथी हैं जो भी जानवर घास पे आधारित हैं जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो स्टार्विंग से भूख से मर जाते हैं क्योंकि घास है नहीं खाएंगे क्या, और नेचुरल रीजनरेशन जो हमारी फॉरेस्ट की स्पीसीज की है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है उसमें भी अगर फायर्स बहुत बड़ी हैं तो उसमें फॉरेस्ट फायर होने से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तो जंग एटमॉस्फेयर में जाएगी, साथ ही जब फायर से जो हीट जनरेट होगी वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, इसलिए भी फायर इंसिडेंट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और जो हमारा फॉरेस्ट है जिसको कि हम कार्बन सिंक कहते हैं वो कार्बन सिंक जो है वो कम हो जाएगा और CO2 की जो एटमॉस्फेयर में एम्बियंट CO2 परसेंटेज है वो बढ़ेगी, इसलिए भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर का दुष्परिणाम है दुष्प्रभाव है। और जो माइक्रो क्लाइमेट तो फायर के इंसिडेंट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं कम किए जा सकते हैं, फिर कंट्रोल फायरिंग के लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल कंट्रोल फायर करता है, उसमें ये होता है कि सड़क के किनारे आदमी साथ साथ चलते हैं सड़क के किनारे पत्तों को जला दिया जाता है ताकि वो, और ये जो सड़क है ये कट लाइन बन जाती है, ये फायर लाइन हम इसको कह सकते हैं, और फायर लाइन बनाई भी जाती हैं तो ये कंट्रोल फायर जो है इसमें किया जा रहा है कंट्रोल बर्निंग, इससे क्या होगा कि जो सूखे पत्ते हैं वो आपने जला दिए, इससे सड़क के पास अगर कोई किसी तरह का जलती हुई बीड़ी या माचिस की तीली फेंक भी दी तो वो एकदम से आग नहीं पकड़ेगी क्योंकि वहां पर जलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर ये रेगुलर वॉच एंड वार्ड है, रेगुलर वॉच एंड वार्ड जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायर करता है लोगों को, और जिनके अपने जंगल हैं गांवों के जो सोशल फॉरेस्टी है जो गांव के अपने जंगल हैं वहां पर गांव वाले भी गर्मियों में अपने लोगों को तैनात करते हैं तो वो उसकी विजिल जो है रखनी जरूरी है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर लाइन जो है वो मेंटेन करता है जंगल के बीचों बीच जो है वो करीब 30, 40, 50 फीट चौड़ी फायर लाइन बनाई जाती हैं, वो कट लाइन है क्योंकि वो साफ रहेगी तो फायर अगर एक तरफ होती भी है तो उसमें वहां से आगे नहीं बढ़ सकती, वो कट लाइन हो जाती है क्योंकि वहां पर उस फायर को आगे बढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो अगर फायर लाइन प्रॉपर मेंटेन है साफ उस कर दी जा रही है गर्मियों में तो भी फायर के इंसिडेंट्स बचाए जा सकते हैं, और गांव वालों को इसमें भागीदारी उनकी जरूरी है क्योंकि वही आग कई बार लगाते हैं, तो अगर उनकी भागीदारी होगी उनको इन्वॉल्व किया जाएगा कि देखो भाई तुमने इस जंगल को बचाना है ये तुम्हारा जंगल है तुम इससे घास लकड़ी लेते हो और चीजें तुम इससे प्राप्त करते हो इसको बचाना है, तो उनका अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फायर जो है वो इंसिडेंट्स रोके जा सकते हैं कंट्रोल किए जा सकते हैं। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स
अगर गांव वालों को, जैसे डिजास्टर टीम्स बनी है, ऐसे फायर भी एक डिजास्टर है, इन टीम्स को फायर फाइटिंग के लिए इन्वॉल्व किया जाए और उनको प्रॉपर अगर जो है इक्विप किया जाए तो फायर इंसिडेंट्स काफ़ी कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके अलावा वॉच टावर्स बनाए जाते हैं ऊंचाई पे, क्योंकि जंगल में पता ही नहीं चलता कि आग कहाँ लगी हुई है, तो वॉच टावर्स इसके लिए ऊंचाई पे बनाए जाते हैं जिसमें कि रेगुलर जो है लोग विजिट करते हैं। उससे क्या है कि फायर इंसिडेंट अगर कहीं पर होता है तो एकदम से पता चल जाता है, क्योंकि स्मोक से आदमी देख लेगा और वो वॉकी टॉकी से या आजकल तो मोबाइल्स हैं, मोबाइल से वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को या फॉरेस्टर को या रेंजर को या गांव वाले को बता देगा कि वहाँ पर जो है फायर हो रही है, और तुरंत जाके टीम अगर उसको कंट्रोल कर दे, फैलने से बचा दे, तो वो आसानी से फायर कंट्रोल हो जाएगी। और अगर देर से पहुँचे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो फायर एक बार फैल गई तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा भी जो फायर नेटवर्किंग सिस्टम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको शुरू कर रहा है, कई जगह शुरू हो भी गया है, पर इसमें अगर लोकल पार्टिसिपेशन, बच्चे खासकर इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बच्चे अगर, चूंकि स्कूल जाते हुए जंगल से कई बार कई गांव में बच्चे जाते हैं, और उन्हें अगर पता चल गया कि फायर हो रही है, और वो अपने पिताजी को या अपने टीचर को या और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बता दें, तो फायर को चेक किया जा सकता है। स्कूल के बच्चों को भी फायर फाइटिंग के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। जो बड़े बच्चे हैं वो अपना फायर फाइटिंग में अपना रोल अदा कर सकते हैं, और हमारी जो धरोहर है वन, वो बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशन में यही है कि हम कैसे अपने टीम्स को, लोगों को औरों को जो है वो फायर्स को कैसे कंट्रोल करना है, फायर कंट्रोल यूनिट्स बने और फायर स्क्वाड तैयार हो, कुछ जो है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे फायर के टाइम पे जो है वो लोगों को इस तरह की कुछ सुविधाएं मुहैया की जाएं, जैसे वैन हैं और गाड़ियां हैं, और बच्चे जो है स्कूल में अगर के आसपास फायर है तो बच्चों को किसी की सुरक्षा में पूरे केयरफुली उनको जो है ट्रेन किया जाए, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और अवेयरनेस जो है वो बच्चों में जनरेट की जाए, तो फायर को काफ़ी हद तक, फॉरेस्ट फायर को बचाया जा सकता है, और अपनी जो प्रीशियस हमारी बायोडायवर्सिटी है और फॉरेस्ट है उसको हम लोग बचा सकते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि हम चूँकि सबसे रिच हैं फॉरेस्ट में, हमारा प्रदेश जो है, और हम जो है वो परमानेंट जो है वाटर चैनल हमारे यहाँ से जा रही है डाउन स्ट्रीम, लगभग 20 करोड़ जनता डाउन द स्ट्रीम, पूरी बंगाल की खाड़ी तक हमारे पानी पे और हमारे जंगलों पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर करती है। इसलिए फॉरेस्ट फायर कंट्रोल के लिए हमारे प्रदेश को बहुत सख्त इसमें कदम उठाने चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें। धन्यवाद। फॉरेस्ट फायर के कारण, लगने के कारण और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? फायदे तो इसमें कम, नुकसान ज्यादा है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? आपने पूरा बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, और मुझे पूरी आशा है कि बच्चे इससे, पूरे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। सर, मैं यही जानना चाह रही थी कि मैं, जैसे कि मैंने आपके पूरे प्रेजेंटेशन में देखा कि जितना भी हमारा फॉरेस्ट फायर का जो कारण है वो नेचुरल कम और अननेचुरल ज़्यादा है, मैन मेड ज़्यादा है। और हमारे जो फॉरेस्ट, अभी हमने देखा 14-15 में भी पूरे हमारे उत्तराखंड में बहुत भयंकर किस्म की आग लगी थी, काफ़ी ज़्यादा, 50% से ज़्यादा हमारे वनों को नुकसान पहुंचा था। उसमें कई हमारे जानवर भी जानवरों को भी नुकसान पहुंचा था।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो कि मेन एजेंसी है फॉरेस्ट में जाने के लिए, उसको फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, तो उनके पास भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट नहीं होते हैं, वो भी सिर्फ डंडों से ही फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं फायर को। तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या लोगों को पता होते हुए भी कि इससे हमें इतना नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ अपने एक छोटे से लाभ के लिए इतना ज़्यादा फायर पे लगाते हैं, सिर्फ और प्री मानसून, मानसून से पहले ही अपनी घास की लालच में कि एक अच्छी घास आएगी फॉरेस्ट में फायर लगाने के लिए। अगर स्थानीय निवासी अगर इसको एक कंट्रोल वे में करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इस पे नुकसान पहुँचेगा। तो सर इसमें आपका क्या सोचना है? हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि आपने ठीक ही कहा कि वो मैन मेड है, या तो उसको केयरलेसनेस कहिए या इंटेंशनल कहिए। कई जगह तो केयरलेसनेस से ज़्यादा हो जाता है, कई जगह इंटेंशनल भी हैं, पर उसका जो दुष्परिणाम है वो सारे जानवरों को, फ्लोरा को, फोना को, आदमियों को, सबको भुगतना पड़ता है। जब भी कोई फायर वाइल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो इट बिकम्स अ डिजास्टर। वो फिर डिजास्टर हो जाता है, वो तो फिर कुछ भी नहीं देखता, वो सब जान माल का और कई चीज़ों का सबका नुकसान कर देता है। आदमियों का, हमारे जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गांव के आसपास के जो जंगल हैं, वो लोग इंटेंशनली, जैसे कि आपने ठीक ही बताया कि वो घास के लिए उसको जला देते हैं, पर उसमें यह है कि भाई घास तो तभी आएगी जब बारिश आएगी, और बारिश जब आएगी तब घास उसी जंगल में नहीं सारी जगह आ जाती है। तो तब अगर उनको, खासकर चीड़ के जंगल जहाँ हैं वहाँ पर अगर घास कम भी मिलती है, तो और जगह उनके जानवरों को घास मुहैया हो सकती है। ये चीज़ थोड़ा उनको समझनी होगी। दूसरा जो है, चीड़ के जो जंगल हैं, अगर जैसे डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, अगर उसकी पत्तियों का कुछ उपयोग हो सके, जैसे ब्रिकुटिंग में अब कोशिश कर रहे हैं लोग, या उसका पेपर में FRI ने कुछ कोशिश किया, या कार्डबोर्ड बनाने में उसका उपयोग हो सके, तो एक इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और फायर लोड भी कम होगा। प्लस वैसे तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुछ लोग, गांव वाले, इसको कैटल बेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बाद में वो जो है खाद के रूप में इस्तेमाल होती है। पर जितना प्रोडक्शन है, क्योंकि करीब 6 लाख हेक्टेयर में चीड़ का जंगल है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है लीफ जो है लीटर होता है, उसको जो है यूज करने के लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हमको चाहिए, और वो बहुत बायोमास बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, और फायर पे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है, यदि उस बायोमास को हम जो है वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, और वो एज ए रिसोर्स हो किसी चीज़ को बनाने के लिए। उस क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है, और गांव वालों को जो है वो, बच्चों को खासकर, इस तरह के जो है वो अपने पेरेंट्स को समझाएं कि भाई अवेयरनेस कैंप्स लगें, लोगों को पता हो कि फायर जो है वो नुकसानदायक है, इसको लगाने से ये नुकसान है, और ये नहीं होगी तो हमारे ये फायदे होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ सॉयल हेल्थ आज एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग पहाड़ों में भी धान के बाद गेहूं बोने से पहले जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे इकट्ठा करके और जलाते हैं, जिसको हम लोग आड़े कहते हैं। तो वो आड़े जलाने के बजाय अगर उसको एक कोने पे कहीं पे जमा करके छोड़ दिया जाए, तो वो सड़ के जो है ऑर्गेनिक मैटर जो हम लूज कर रहे हैं खेतों में, ऑर्गेनिक कार्बन, हमारे जीवांश जिसको हम कहते हैं, वो जमीन में ना के बराबर है, तो वो बढ़ सकता है। खाली ऑर्गेनिक को, उसको जलाने से कोई फायदा नहीं है। किसान भी जो, अगर उसको खेत में ही मिक्स रहने दें, तो एक तो पोरोसिटी बढ़ेगी, जमीन की वाटर परकुलेशन बढ़ेगा, और ऑर्गेनिक मैटर सॉयल में बढ़ेगा। तो वो, मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, किसी भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू को जलाना अच्छा नहीं है। साइंटिफिकली अगर उसको प्रॉपर डिकम्पोज करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकता है।
और एक बार मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारी फॉरेस्टेशन जब हम करते हैं, एरिया में प्लांटेशन करते हैं, उनको खास तरह से बचाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो नए प्लांटेशन हैं वो अक्सर जल जाते हैं। तो नए प्लांटेशन में वाच एंड वाइल्ड को, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या लोगों को उनकी विशेष केयर जो है वो रखनी चाहिए, ताकि जब तक कि वो 5-6 फीट 7 फीट हाइट का पौधा होता है, 2-3 साल तो इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे देश में जो प्लांटेशन के जो सर्वाइवल है वो लगभग 20 मैक्सिमम 25% है, जबकि चाइना में अगर आप देखें तो 90% प्लांटेशन में 90% सर्वाइवल रिकॉर्ड होता है। हमारे यहाँ 20-25% से ज़्यादा जाता ही नहीं है, और वो यही कारण है कि उसकी प्रॉपर देख रेख नहीं है, फेंसिंग नहीं है, फायर इंसिडेंट्स हो जाते हैं, और कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर हैं जिसमें फायर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसकी देख रेख भी करनी बहुत ज़रूरी है, और इक्विपमेंट्स जो हैं लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ, लोगों को अवेयर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मुझे लगता है कि फॉरेस्ट फायर में सर मास अवेयरनेस जी और जो टूल्स आपने रिकमेंड किए, जो कि आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ये टूल्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जी तो इनको मास स्केल पे प्रमोट करने की और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जी तभी हम इस जो हमारी ये फॉरेस्ट फायर की जो प्रॉब्लम है इससे हम निपट सकते हैं। सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच।